चलिए, आज आपको ऐसे टीचर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी आप सुबह शाम छुट्टी के दिन कभी भी हेल्प ले सकते हैं। आपको मालूम है उस टीचर का क्या नाम है? उसका नाम है डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। ये डिक्शनरी आपको हर इंग्लिश के शब्द का बताएगी उच्चारण और मीनिंग, यहां तक कि उसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है वो भी डिक्शनरी बताती है। शर्त ये है कि आपको उससे हेल्प लेने का तरीका आना चाहिए और वो भी है बहुत आसान। उसके लिए सिर्फ आपको ये जानना है कि इंग्लिश की अल्फाबेट में कौन सा अक्षर पहले और कौन सा अक्षर बाद में आता है, यानी जिस शब्द की आपको है तलाश उसके पहले अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर आता है और उससे पहले कौन सा अक्षर आता है। बस फिर तो आप फटाफट झटपट पहुंच जाएंगे डिक्शनरी के उस भाग में, यानी उन पेजेस पर जहां आपको वह शब्द जिसका उच्चारण और मीनिंग आप जानना चाहते हैं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हीं पेजेस में सारे वो शब्द होंगे जिनका पहला अक्षर वही होगा जो उस शब्द का है जिसकी आपको है तलाश। अब वहां पहुंचकर आपको ढूंढना है अपना शब्द और वो मिलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी जिस क्रम में होती है इंग्लिश की वर्णमाला, जिसमें पहला अक्षर है अ यानी ए और आखिरी अक्षर है जेड। अब सोचो, आपने ढूंढना है शब्द ह्यूज, HUGE, जैसे महादंत की स्टोरी में है ह्यूज एलिफेंट। अब ह्यूज जो है उसका पहला अक्षर है H, तो ये आपको मिलेगा
डिक्शनरी के उन पेजेस में जहां एच से शुरू होने वाले सारे शब्द रखे हुए हैं। अब वहां पहुंचकर आपको देखना है कि आपके शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा है। दूसरा अक्षर है यू। तो आप एच से शुरू होने वाले सारे शब्दों को देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और फिर पहुंचेंगे यू पर। जब आप यू पर पहुंचेंगे यानी जब आप उन शब्दों पे पहुंचेंगे जिनमें एच के बाद यू आता है, फिर आपको देखना होगा कि यू के बाद कौन सा अक्षर आता है आपके ह्यूज में। वो अक्षर है जी। तो आपको अब शब्द देखने होंगे जिनमें यू के बाद जी आता है। जब आप उन अक्षरों में पहुंचेंगे तो आपको ऐसे कई शब्द मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे कि ह्यूज में जी के बाद क्या आता है। ह्यूज में आता है ई। तो चौथा अक्षर आपके शब्द का है ई। अब आपने देखना है कि एच से शुरू होने वाले वो सब शब्द जिनमें दूसरा अक्षर है यू, तीसरा है जी, चौथा ए बी सी डी अगर हैं तो उसके बाद ही आपको मिलेगा ई और मिलेगा ह्यूज, एच यू जी ई। अब देखो इसका आसान तरीका ये है कि डिक्शनरी में हर पेज की टॉप पर दो शब्द लिखे रहते हैं, एक जो उस पेज पर पहला होता है और दूसरा जो उस पेज पर अंतिम होता है यानी आखिरी होता है। तो अकलमंदी इसी में है कि हम हर पेज के ऊपर वाले दो शब्दों को ध्यान से पढ़ें और उन्हीं से पता लगाएं कि हम जिस शब्द की तलाश कर रहे हैं वह उन दो शब्दों के बीच में मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो आप उसी पेज पर लिखे शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एग्जामिन करेंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला अक्षर तो सबका होगा एच। दूसरा अक्षर हमें चाहिए यू और तीसरा चाहिए जी, जबकि चौथा ई। तो दूसरा, तीसरा, चौथा
इनसे जो भी अक्षर पहले आते हैं, हमारा शब्द ह्यूज उनके बाद में आएगा, और जो अक्षर यू के बाद में आते हैं, जैसे वी है, फिर जी के बाद में आते हैं, जैसे एच है, और ई के बाद में आते हैं, जैसे एफ है, उन शब्दों से पहले आएगा। तो अगर हमें इंग्लिश की वर्णमाला के सारे अक्षर अच्छी तरह याद हैं, तो शब्द को ढूंढने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब हम ढूंढते हैं एक शब्द, एच ए एन डी, हैंड। ये भी एच से शुरू होता है, लेकिन इसका दूसरा अक्षर जो है वो ए है। तो हमें एच से शुरू होने वाले तमाम शब्दों में से ये पहले कुछ शब्दों में ही मिल जाएगा, फिर ए के बाद हमें देखना है कि एन हमें कहाँ मिलेगा, और वह मिलेगा उन शब्दों के बाद जिनका तीसरा अक्षर है एम। क्यों? क्योंकि वर्णमाला में एन जो है वो एम के बाद में आता है। इसी तरह डी हमें मिलेगा उन शब्दों में जिनका चौथा अक्षर सी के बाद में आता है, क्योंकि वर्णमाला में डी सी के बाद आता है। और जब हम हैंड का मीनिंग देखते हैं, तो उसके साथ हमें वो शब्द भी मिलते हैं जिन शब्दों का ये बीज शब्द है, जैसे हैंड बैग, हैंड बुक, हैंड कफ, हैंड फुल, हैंडीक्राफ्ट इत्यादि। तो हमने जाना कि डिक्शनरी में उच्चारण और मीनिंग के अलावा उस शब्द से बनने वाले और बहुत से शब्द मिल जाते हैं। इस तरह हमें डिक्शनरी देखने के कई कई लाभ होते हैं।